नमस्कार, मैं हूँ देवशंकर नवीन, भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। इस समय हम लोग ईपीजी पाठशाला हिंदी के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास विषय पर बात करेंगे और आज की चर्चा का विषय होगा समकालीन हिंदी कविता। समकालीन हिंदी कविता पर बात करते हुए आप प्रयोगवाद और नई कविता के उद्भव और अंत के कारणों पर स्पष्ट विचार जान पाएंगे। सन 1960 के बाद के भारतीय सामाजिक परिस्थितियों से परिचित हो सकेंगे। समकालीन कवियों की काव्य दृष्टि से परिचित हो सकेंगे। समकालीन कवियों की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों की समझ बना सकेंगे और समकालीन काव्य दृष्टि की विकास प्रक्रिया पर विचार कर सकेंगे। बात शुरू करते हुए हम देखते हैं कि समकालीन हिंदी कविता की शुरुआत कहाँ से मानी जाए। अब इस विषय पर बात करते हुए पूर्णतया हर किसी की सहमति नहीं दिखती है। किसी न किसी रूप में कुछ लोग भिन्न भिन्न मत के हैं। कुछ विद्वान सन 1960 से इसका आरंभ मानते हैं तो कुछ 1980 के बाद। वे संभवतः उस दौर की कविताओं में सन 1975 में घोषित आपातकाल, देश में संपूर्ण क्रांति के गूंजते नारे, सन 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस की करारी हार, नवगठित सरकार से जनता की असंतुष्टि, मध्यावधि चुनाव, कांग्रेस के पुनरागमन, इंदिरा गांधी की हत्या, नागरिक असंतोष के नए नए कारण आदि से प्रभावित देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संतुलन की ध्वनि का चित्रण देखकर ऐसा कहते हैं और कहते हैं कि कविता की वापसी हुई है। तो फिर इसका अर्थ यह होगा कि इससे पहले कविता कहीं चली गई थी, जो सच नहीं है। हाँ, यह सच है कि जिस प्रगतिशील चेतना के साथ कविता सामाजिक यथार्थ से जुड़ती है, कुछ वर्ष के लिए कविता अपने कला रूप की चिंता करने लगी थी। स्वाधीनता प्राप्ति के कुछ ही वर्ष के बाद उस दौर की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों ने जनमानस को चौंका दिया था। वैज्ञानिक चेतना संपन्न प्रगतिशील समाज के गठन के आग्रही जवाहरलाल नेहरू का मोह भंग हुआ, लाल बहादुर शास्त्री को सदमा पहुंचा, दृष्टि संपन्न इन दो प्रधानमंत्रियों का देहावसान, इंदिरा गांधी के नेतृत्व की शुरुआत, भारत पाक सीमा संघर्ष में इंदिरा गांधी की सूझबूझ से देश में जगी नई स्फूर्ति, ये सभी स्वर समकालीन कविता में अपनी तरह के विरोध समर्थन के साथ प्रस्तुत हुए। जनगण के सुख दुख की उपेक्षा भी हुई, सारी स्थितियों से बाखबर समकालीन कविता ने अपना अग्राभिमुख संस्कार अगले दशक को थमाया। वस्तुतः इन सन 1960 के बाद की हिंदी कविता को समकालीन कविता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। प्रयोगवाद के विकास के तौर पर यदि नई कविता पर विचार करते हैं तो दिखाई देता है कि सन 1930-35 के दौरान प्रगतिशील चेतना से अभिभूत हमारे कई रचनाकार छायावादी कल्पना और रहस्य से विदाई लेकर देश दशा और सामान्य जनजीवन के यथार्थ को अपनी कविता में मुखर करने लगे थे। कला जीवन के लिए के उद्देश्य के साथ चल रही कविता को एकाएक कलात्मकता की चिंता हुई और कला के स्वरूप को लेकर कविता के लिए नवीन उपमानों के अन्वेषण हेतु नए नए प्रयोग किए जाने लगे। सन 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन के साथ प्रयोगवाद की घोषणा हुई। नई कविता के कुछ नए कवियों की कविताओं को संकलित कर व्यक्तिनिष्ठ धारणाओं के साथ अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक सन 1943 में, दूसरा सप्तक सन 1951 में और तीसरा सप्तक सन 1959 में प्रकाशित हुआ। प्रयोगवाद के विकास के साथ
नई कविता की घोषणा हुई। सन 1963 में तार सप्तक का दूसरा संस्करण प्रकाशित होने लगा तो अज्ञेय ने लिखा, जो 1943 में प्रयोगी थे सन 1963 में संदर्भ हो गए। तब की संभावनाएं अब की उपलब्धियों में परिणत हो गई। प्रोफेसर नामवर सिंह ने इस वक्तव्य के आलोक में कहा कि आज तार सप्तक के कवियों से किसी नई संभावना या नए उन्मेष की आशा करना ज्यादती है, किंतु नई संभावनाओं की चुनौती के सम्मुख उन्होंने जिस प्रकार इतिहास में मुंह छिपाने का प्रयास किया है वह किंचित दुखद है। फलस्वरूप हिंदी कविता में तार सप्तक 1943 से प्रारंभ हुआ प्रयोग बाद जो नई कविता में तब्दील हुआ सन 60 के बाद अविश्वसनीय प्रतीत होने लगा। नामवर सिंह की राय में प्रयोग शब्द को वाद दूषित पाकर नई कविता नामक संज्ञा का प्रचलन हुआ। प्रयोग की यह पद्धति कवि के आत्मसत्य की बुनियाद पर विकसित हुई थी। जनवरी 1952 में ही शमशेर बहादुर सिंह के अनुसार इस आत्मसत्य से बाहर भी कोई यथार्थ होता है, अज्ञेय जी ने उसे भी बाहर नहीं रखा, आत्मसात किए हुए सत्य में शामिल किया। जबकि कोई सच्चा कलाकार आत्मसत्य का अन्वेषण अपनी अनुभूतियों में नहीं उन मूलों में करता है जो उसके समाज और संस्कृति की परंपरा में बसे हुए हैं। 20वीं सदी के छठे दशक का अंत आते आते मुक्तिबोध को भी लगने लगा कि नई कविता के स्वरूप के प्रति लोगों में असंतोष दिखने लगा है। यह असंतोष बहुत से उन कवियों में भी था जो स्वयं उस धारा के अंग थे। ऐसी स्थिति में उस धारा का विश्लेषण विवेचन उन असंतुष्ट सहयात्री द्वारा होना स्वाभाविक था। मुक्तिबोध की राय थी कि कविता में प्रगतिशील तत्व बढ़ते जाएंगे तो वह मानवता के अधिकाधिक समीप आती जाएगी। कुल परिदृश्य यह हुआ कि प्रयोगवादी कविता में जिस क्षणवाद, व्यक्तिवाद तथा कथन भंगिमा का नारा दिया गया, सन 1960 आते आते वे सब के सब विफल, प्रभावहीन, अस्पष्ट और पथ से भटके हुए दिखने लगे। पृष्ठभूमि के रूप में हमें दिखाई पड़ता है कि तार सप्तक से तीसरा सप्तक के बीच के 17 वर्षों में तत्परता से घटी घटनाओं ने भारत को घटनाओं का देश बना दिया। स्वाधीनता संग्राम, आज़ादी, विभाजन, विस्थापन, मारकाट के बाद काबिज हुई व्यवस्था में मेहनत कश आमजन के सपने टूटे, गांधी जी की हत्या हुई, सत्ताधारी लोगों के नैतिक पतन परिलक्षित होने लगे, भारतीय जनमानस को बौद्धिक मुक्ति तो मिली, नैतिक और मानसिक मुक्ति नहीं मिली, देश में लोकतंत्र की स्थापना बहाल होने के थोड़े ही दिनों बाद बुद्धिजीवियों का एक दल सत्ता का समर्थन करने लगा, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हुई मैत्री में धोखाधड़ी हुई, चीन ने सीमावर्ती क्षेत्र पर हमला कर दिया, लेखकों को देश का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक माहौल चिंताजनक लगने लगा। इन तमाम परिस्थितियों में रचनाकारों की मनस्थिति तरह तरह से प्रभावित हुई। सन 1947 से पूर्व भारतीय जनता की सबसे बड़ी समस्या पराधीनता और सबसे बड़ा लक्ष्य स्वाधीनता थी। स्वाधीनता के बाद कुछ वर्ष परिवर्तन के बाद की स्थिरता की प्रतीक्षा में बीते, थोड़े दिनों बाद असंतोष के बीज उगने लगे। जल्द ही लोगों को लगने लगा कि यह आज़ादी पूरे देश की जनता की नहीं है, यह सिर्फ नेताओं की आज़ादी है या धन कुबेरों की आज़ादी है। ऐसे जनजीवन की त्रासदी देखते हुए सन 1960 आते आते हिंदी काव्य क्षेत्र में जो नई पीढ़ी खड़ी हुई उसकी अभिव्यक्ति में शालीनता और शिष्टता के स्थान पर आक्रामकता दिखने लगी। भारतीय स्वाधीनता के बाद आरंभिक दो दशकों की हिंदी कविताओं को लोगों ने अकविता, सहज कविता, विचार कविता, नक्सलवादी कविता, साठोत्तरी कविता आदि नाम समय समय पर आग्रह अथवा दुराग्रह से दिए। प्रारंभ में भूखी पीढ़ी, आहत पीढ़ी, श्मशानी पीढ़ी, क्षुब्ध पीढ़ी के लोगों द्वारा लिखी गई
कविता को नेतृत्व वर्ग द्वारा स्वेच्छाचारी और अराजक प्रयोग पद्धति से लिखी गई कविता कहा गया। असल में बिना किसी राजनीति के जो कवि खड़े हुए, उनका उद्देश्य किसी सिद्धांत और वक्तव्य को क्रिया रूप देना नहीं था, बल्कि वे जनता की पीड़ा को वाणी दे रहे थे। छायावाद के बंधनों से मुक्त होकर सामने आई प्रगतिशील काव्यधारा एक तरफ थी, प्रयोगवाद के रास्ते प्रकट हुई नई कविता दूसरी तरफ। नागरिक जीवन से निराश नई पीढ़ी का कविता आंदोलन अत्यंत उग्र था। नई कविता की व्यक्तिनिष्ठता की ऊब से बाहर आई काव्यधारा अलग थी। नवगीत की परंपरा लेकर आए नवगीतकार अलग थे, पर तथ्य है कि इन सभी का प्रवाह धीरे धीरे समकालीन कविता की ओर ही था। समसामयिक दबाव के कारण इन काव्य प्रवृत्तियों में चीख चिल्लाहट, क्रोध, आक्रोश, तूफानी विद्रोह, नकार की भरमार थी। समय पाकर ये सारी धाराएं समकालीन कविता के साथ स्वर मिलाकर एकमेक हो गईं। प्रगतिशील कविता अपनी गति से निरंतर चलती रही, निरंतर अपने विषय, भाषा, शिल्प और कथन शैली को समकालीन बनाती गई। नई कविता के पिछड़े हुए कवि तो पिछड़े ही रह गए, पर जितने भी कवि अग्रमुखी थे, वे अपनी धारणा को परिष्कृत कर आगे बढ़ गए। रचनाकारों की दृष्टि से देखें तो समकालीन कविता के दौर में समकालीन युग यथार्थ के अनुभवों के साथ तैयार हुई पीढ़ी के कवि समेत वे सभी कविगण रचनाशील रहे जो संसार के पूर्व से ही रचनारत थे। इनमें एक तो वे थे जो सप्तकों से बाहर रहकर हिंदी की जमीन मजबूत कर रहे थे, दूसरे वे जो सप्तक परंपरा के आने के बावजूद निरंतर अपनी समझ विकसित करते रहे, समय के बदलते स्वरूप के साथ काव्य संबंधी अपनी धारणाओं, मान्यताओं को भी परिवर्तित करते रहे। कवियों को लगता था कि आज़ादी के सवा दशक बाद भी आम जनता के दुख दर्द से विमुख सत्तासीन लोग देश की बदहाली में भी अपना ऐश्वर्य बनाने में तल्लीन है। कवियों को लगता था कि उनकी इस गैर मुनासिब आश्वस्ति पर तीखे प्रहार की जरूरत है। कविता का प्रवेश इसी प्रहारक रवैये के साथ हुआ, वह रवैया नैतिकता की प्रदत्त परिभाषा के विरुद्ध था। लोग भले कहें कि कविता आंदोलन एलन गिंसबर्ग के बिटनिक आंदोलन और पश्चिम बंगाल की भूखी पीढ़ी की संगति का परिणाम था, पर असल में वह तत्कालीन राजनेताओं के प्रति उत्पन्न नागरिक अनास्था, क्षोभ और विद्रोह से उत्पन्न प्रखर व्यक्तिवाद की अभिव्यक्ति था। ध्यातव्य है कि कविता का व्यक्तिवाद नई कविता के व्यक्तिवाद की तरह आत्म केंद्रित नहीं था, अपनी प्रयुक्ति में वह बहुत विस्तार पा जाता था। निजी भोग को भी कवि समष्टि के रूप में भोगता था। शारीरिक व्याधि तक को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्याधि के रूप में देखता था। क्यों एक ही युद्ध मेरी कमर की हड्डियों में और कभी वियतनाम में जैसी पंक्तियों में राजकमल चौधरी अंतर्राष्ट्रीय अमानवीयता को शारीरिक व्याध की तरह अभिव्यक्त कर रहे थे। कवि का व्यक्तिवाद बाहर भीतर का भेद मिटा चुका था। कविता का व्यक्तिवाद हताशा, निराशा और अनास्थावादी स्वर उन विकृत परिस्थितियों के प्रतिपक्ष में खड़ा हुआ था। राजकमल चौधरी समेत उस धारा के समस्त कवियों की कविताई सातवें दशक के पूर्वार्ध की उन परिस्थितियों और वातावरणों की उपज थी जहां कवियों को लगता था कि उन्हें संजो कर रखने लायक कुछ भी नहीं दिख रहा था। कविता आंदोलन व्यवस्था की बेईमानी से इसी मुक्ति की कामना का स्वर था। साथ ही यह भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि कविता का विद्रोही स्वर जल्दी ही परिष्कृत हो गया। सन 1962 में चीन और सन 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए सीमा संघर्ष ने देश की स्थिति परिस्थिति बदल दी। चीन के हमले ने
भारत के बौद्धिक समाज को झकझोर दिया था। शमशेर बहादुर सिंह ने कविता में मानव जाति के होने पर संदेह किया। चीन के प्रति भारतीय नागरिकों के इन घृणा भाव का असर राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ा। मुक्तिबोध ने अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने की बात की। रघुवीर सहाय नया कुछ रचने के लिए तोड़ना बहुत जरूरी समझने लगे। ये बातें कविता में भी थी, पर अब नई भाषा, नए बिंब, नए प्रतीकों के योग से अकविता की अनास्था, अस्वीकृति और क्रोध के भाव को परिष्कृत कर धिक्कार के बदल देने की आवश्यकता हुई, धिक्कार में बदल देने की आवश्यकता हुई। नए ढंग से वस्तुबोध का विकास हुआ। बाद में असर लाने के लिए शब्द प्रयोग को ज्यादा प्रभावी शब्द संस्कार की जरूरत हुई। विभाजन से लेकर सन 1965 के सीमा संघर्ष के बीच का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विपर्यय श्रमजीवियों की आवाज के दमन की नीति ने भारतीय जनता के जीवन को सांसत में डाल रखा था। दशक के उत्तरार्ध में भी देश का आर्थिक संकट निरंतर गहराता जा रहा था। विदेशी सहायता के प्रति निर्भरता बढ़ती जा रही थी। सन 1966 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। जनसामान्य के बीच इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। भारतीय नागरिक की हताशा और तेज हुई। सन 1967 के आम चुनाव में इन सभी परिस्थितियों का प्रभाव सामने आया। 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी शासन स्थापित हुआ। हालांकि इस मिलीजुली सरकार के भारतीय लोकतंत्र में उससे राजनीतिक परिस्थितियां थोड़ी और जटिल हुई। हड़ताल, प्रदर्शन, मुठभेड़ आदि का सिलसिला चल पड़ा। इस आम चुनाव के परिणाम से किसी भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। आर्थिक विषमता और किसानों के आक्रोश के कारण मार्च 1967 में नक्सलवादी आंदोलन आरंभ हुआ, जिसके दमन की पुरजोर कोशिश हुई। हालांकि इस आंदोलन से धूमिल, लीलाधर जगुड़ी, आलोक धनोआ, कुमार विकल, विजेंद्र वेणुगोपाल, कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह जैसे तीक्ष्ण स्वर वाले कवियों की एक पीढ़ी हिंदी कविता में सक्रिय हुई। उक्त दौर में लोकतंत्र, लोक सेवा, धर्माचरण और समाज व्यवस्था के ढोंग रचनाकारों को स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। धूमिल को साफ साफ लग रहा था कि जनता को समझा दिया गया है कि यहाँ ऐसा जनतंत्र है जिसमें जिंदा रहने के लिए घोड़े और घास को एक जैसी छूट है। वे जनता को एक ऐसी भीड़ की तरह देखते थे जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही थी। राजकमल चौधरी ने साफ तौर पर देखा कि आदमी को तोड़ती नहीं है लोकतांत्रिक पद्धतियाँ, केवल पेट के बल उसे झुका देती है। धीरे धीरे अपाहिज, धीरे धीरे नपुंसक बना लेने के लिए उसे शिष्ट, राजभक्त, देश प्रेमी नागरिक बना लेती है। पूरा परिदृश्य यथार्थ के अलग चेहरे के साथ जी रहा था। आम नागरिक के हिस्से की धूप, ध्वनि, पवन, प्रकाश, स्वप्न, साधन चुराकर पूरे तंत्र की सुविधाएं अपने नाम करने वालों पर रचनाकारों ने अपनी कविताओं में तीक्ष्ण टिप्पणियां की थी। मोहभंग, असंतोष और साहित्यिक परिवर्तनों के इस दौर में जीवन के नए संघर्ष और सौंदर्य के प्रतिनिधि के रूप में मुक्तिबोध, नागार्जुन, शमशेर, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल और कुछ समय बाद रघुवीर सहाय जैसे प्रतिनिधि कवि समकालीन यथार्थ की निरंतर पहचान करते आ रहे थे। सप्तक परंपरा के अन्य कवि भवानी प्रसाद मिश्र, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी उस चिंता में तत्परता से शामिल हुए और
आज़ादी के बाद की नई परिस्थितियों में नई ऊर्जा के साथ खड़े हुए कवि राजकमल चौधरी, जगदीश चतुर्वेदी, गंगा प्रसाद विमल, कैलाश वाजपेयी, चंद्रकांत देवताले, विजेंद्र, वेणुगोपाल, धूमिल और फिर कुमार विकल, लीलाधर जगुरी, सौमित्र मोहन, अशोक वाजपेयी, देवेंद्र कुमार, आलोक धनवा, विष्णु नागर, इबार रब्बी, सोमदत्त आए। समय बढ़ता गया, परिस्थितियां बदलती गईं, जन सामान्य की पीड़ा घनीभूत होती गई, कविता स्थान काल पात्र के करीब बनी रही। समकालीन कविता का यह लंबा अंतराल राष्ट्रीय स्तर की आपदाओं और सामान्य जन के आहत सपनों का साक्षी बनी। समकालीन हिंदी कविता अपनी इसी ऊबर खाबर और कटीली जमीन पर खड़ी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी भावधारा, रचना दृष्टि और विषय को बढ़ाती गई। सन 1977 के चुनाव में दिग्गज नेताओं की एक पूरी पीढ़ी पहली बार पराजित हुई। इसके बाद अल्पजीवी सरकार बनी, फिर उसका पराभव, मध्यावधि चुनाव, देश को हिला देने वाली राजनीतिक अनस्थिरता का दौर, सब ने मिलकर एक दिग्भ्रम कायम कर दिया। विफलता के इस दौर ने समाज का ढांचा बदल देने का हौसला रखने वाले युवा वर्ग को आंदोलन विमुख कर दिया। वे विद्रोह की दिशा छोड़कर किसी तरह कुछ पा लेने के लिए पिछले दरवाजे की तलाश करने लगे। यह स्थिति रचनाकारों के लिए त्रासद थी। उनके लिए विषय तो वे ही थे, पर उस दंश की तीक्ष्णता बढ़ गई थी। इसलिए कवियों ने अपनी शैली और शिल्प में परिवर्तन किया। चीख, विद्रोह और आक्रोश की भाषा संयत हुई, मगर सहज सरल शब्दों में तीक्ष्ण व्यंग की प्रवृत्ति सामने आई। इसके प्रतिनिधि कवि रघुवीर सहाय थे। इन कविताओं में मानव जीवन के सब रंग उपस्थित हुए। प्रवंचनाएं, विकृतियां, शोषण, प्रताड़न, पाखंड, दैन्य, अशिक्षा, शिक्षा की माफियागिरी, राजनीति का अपराधीकरण, मानवीय संबंधों को खंडित करने के षड्यंत्र, प्रायोजित समस्याएं, स्त्री विमर्श, दलित प्रसंग, अपहरण, बाल समस्या, भ्रूण हत्या, मानव हत्या, दंगा फसाद, सांप्रदायिक और जातीय दंगा, अमानवीय हरकतें, तस्करी, राष्ट्रीय अस्मिता के साथ धोखाधड़ी, सब कुछ का चित्रण गंभीर संवेदना के साथ होने लगा। कवि अपनी भाषा और विचार की जटिलता से मुक्ति पाकर स्पष्टता और सुलझाव की ओर उन्मुख हुए, क्योंकि सामाजिक स्तर पर सारे परिदृश्य उनके समक्ष स्पष्ट और सुलझे हुए थे। सारे सत्य को वे निज जीवन के यथार्थ की तरह भोग रहे थे। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक संबंधों की पहचान कविताओं में होने लगी। कविता आम जनमानस से अपने नए संबंध के साथ जुड़ने लगी। सोवियत संघ के विघटन का प्रभाव भी समकालीन कविता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण घटक है। सोवियत संघ के विघटन से भारतीय राजनीति के कई अभिकरण प्रभावित हुए। दलगत बिखराव, राजनेताओं की हत्या, राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, सांप्रदायिक सद्भाव और मानव मूल्य का ह्रास, एक सिलसिला चल पड़ा। मार्क्सवाद के रास्ते चलने की परिणति को लोग सोवियत संघ की परिणति के आलोक में देखने लगे। विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका के उत्थान का कारण भूमंडलीकरण और बाजारवाद का स्वरूप रहा। संचार माध्यम खबरदार करने के बजाय खबर बेचने लगे। लोग वैचारिक आग्रह की तुलना में भोगे हुए यथार्थ को महत्व देने लगे। नई उपलब्धियों और बेहिसाब दुर्घटनाओं से नई नई समस्याएं खड़ी हुई। इसी बीच इंदिरा गांधी की हत्या और फिर राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। विवाद सामने आया,
इन सारी स्थितियों ने देश के बुद्धिजीवियों को बुरी तरह प्रभावित किया। विश्वग्राम के प्रभाव और आतंकवाद के खतरे पूरे देश को सता रहे थे। इसी बीच साहित्य में उत्तर आधुनिकता का प्रवेश हुआ। दलित प्रश्न, स्त्री विमर्श और उत्तर उपनिवेशवाद के नए सोच से भरे रचनाकारों का आगमन हुआ। सृजनशील मानस के लिए इन तमाम परिस्थितियों का दबाव स्वाभाविक था। समकालीन कविता परिदृश्य में महिला कवि की व्यापक दुनिया के नवीकरण का दृश्य सुखद है, जो पूर्व में नहीं था। नई कविता के दौर में शकुंत माथुर, कीर्ति चौधरी, स्नेहमयी चौधरी, अमृता भारती, इंदु जैन, सुनीता जैन, अकविता के दौर के मणिका मोहिनी, मोना गुलाटी आदि का आगमन हुआ। अकविता आंदोलन के दौर में उभरे स्त्री स्वर की निजता का ही परिणाम है कि आज हिंदी कविता में कवित्रियों की पर्याप्त और खुली उपस्थिति है। गगन गिल, कात्यायनी, अनामिका, निर्मला गर्ग, नीलेश रघुवंशी, तेजी ग्रोवर, अर्चना वर्मा, सविता सिंह, क्षमा कौल, अनीता वर्मा, इला कुमार, मधु शर्मा, वंदना केंगरानी, स्वरांगी साने, मनीषा झा, इंदु वैद्य, वंदना देवेंद्र, जया जादवानी, रंजना जायसवाल, किरण अग्रवाल, रश्मि रमानी आदि नाम अपनी विशिष्ट पहचान के साथ उभर कर आए और समकालीन कविता की धारा को पुष्ट करने लगे। परिवार चलाते हुए जीवन यापन के सारे पहलू इनके यहाँ मौजूद है। ड्राइंग रूम से रसोई घर तक, क्रेच से जच्चा घर तक, चूल्हे चौके से दफ्तर तक, मैखाने से संसद तक की स्थितियाँ अपने पूरे प्रभाव और मौलिकता के साथ इनके यहाँ दर्ज हैं। स्त्री जीवन का मौलिक सच लेकर आई इन कवित्रियों की कविताएँ अपनी अनूठी तस्वीर पेश करती है। नहीं हो सकता तेरा भला शीर्षक कविता में कात्यायनी बेरहम व्यंग के अर्थ की असंख्य परतें खोलती हुई तिलमिला देती हैं। उधर अनामिका के यहाँ स्त्रियाँ सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा का निवेदन करती हुई पुरुषवादी अहंग की सल्तनत हिला देती हैं। 20वीं सदी के अंतिम चरण में शिक्षा के नए नए आयामों और अर्थोपार्जन की नई नई पद्धतियों के कारण लोगों ने नई चेतना विकसित की। विश्वग्राम और नव उपभोक्तावाद की अवधारणा और सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रभाव की परिणति से समाज में नई नई परिस्थितियां पैदा हुई। प्रति आख्यान अर्थात एंटी नैरेटिव्स की स्थिति आई। आर्थिक उदारीकरण के कारण मनुष्य के जीवन यापन का स्तर बदला। स्थिति कुछ बेहतर भी हुई, बदतर भी। कई रूढ़ियां टूटी पर उसकी ओट में कई विकृतियों का जन्म हुआ। गांव और कस्बों में कामगारों की मजदूरी की कटौती, श्रमिकों के आत्मबोध, महानगरों में दैनिक भत्ते के कामों की उपलब्धता के कारण पलायन एक बड़ा मुद्दा बना। गांव के गांव खाली हो गए, कृषि कर्म आहत हुआ। दलित संप्रदाय के जीवन जगत को ध्यान में रखती हुई समकालीन कविता इन सभी स्तरों पर समकालीन हुई। इसी के साथ हिंदी में दलित कविता भी सशक्त उपस्थिति के साथ दर्ज हुई। निष्कर्षतः सन 1960 से आज तक के तमाम उथल पुथल को समकालीन हिंदी कविता अपनी पैनी निगाह से देखती समझती आई है। इस यात्रा में अकविता, प्रगतिशील जनवादी कविता और नवगीत की सुसंगत परंपरा को भी समकालीन कविता का ही अंग माना गया। कई पीढ़ियों की सृजन धर्मिता से पोषित ये कविताएं आम जन का पाथेय बनी हैं। शैक्षिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक उन्नति के बावजूद आपराधिक राजनीति और राजनीतिक अपराध से कलंकित परिदृश्य की सच्ची तस्वीर पेश कर इसने सावधान समाज बनाने का सफल उद्यम किया है। ओछी हरकतों में लिप्त नेता, पुलिस, पत्रकार के आचरण, गैर मुनासिब हरकतों में मशरूफ सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम दुराचारों का डटकर सामना करती हुई समकालीन कविता सतत मनुष्य को सही राह दिखाती रही है। समकालीन हिंदी कविता का यह स्वरूप उज्ज्वल और बेहतर है।